Hello everyone, I am Ibad Rahman and in this video I am going to explain exercise 20D of class 7th mathematics, chapter name factor of algebraic expression. So in this video we will discuss about the factorizing difference of two square number variable. Look here, in each question we can change all the term in the square of a number or variable a square and minus 16. So we can write 16 as a 4 square. Okay, first of all let's see that which formula we can use here, then we will start the exercise. So start from the formula. Look here, in your book it is given that a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. Means सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि जो भी दो टर्म दिए जाएंगे उनको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जब दोनों चीज़ें स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो एक बार हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एक ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. इसमें से आप अगर से फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस का साइन यूज़ करिएगा तो सेकेंड ब्रैकेट में माइनस आएगा, और अगर फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन का यूज़ करिएगा तो सेकेंड ब्रैकेट में प्लस साइन लगाना होगा. तो ये कोई रीज़न नहीं है या कोई कंडीशन नहीं कि आप किस में फर्स्ट या किस में सेकेंड लगाते हैं. बस एक में फर्स्ट अप्लाई करना है तो दूसरे में सेकेंड होना चाहिए, दूसरे में आपका माइनस होना चाहिए. तो किसी में भी प्लस किसी में भी माइनस हो सकता है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस में प्लस या माइनस लिखते हैं. ओके, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल दिया गया फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. सो अब 9 तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है बट x स्क्वायर के फॉर्म में है. इसी तरीके से 16 आपका स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है बट y स्क्वायर है. तो हमको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म होगा तभी ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहला काम 9 एंड 16 दोनों को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाए. 9x स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर एंड 16y स्क्वायर की जगह पे 4y होल स्क्वायर. अब देखिए मिस्टेक क्या होती है हम लोगों से कि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ x पे माना जाएगा, 3 पे नहीं माना जाएगा. बट अगर आपने ब्रैकेट का यूज़ कर लिया तो वो 3 और x दोनों पे स्क्वायर माना जाएगा. तो हमने जब 9 की जगह पे 3 लिखा है तो यानी कि 3 स्क्वायर लिखा है. तो आप क्या करिएगा, 3x देन ब्रैकेट एंड अगेन होल स्क्वायर, सेम एज हियर 4y इन ब्रैकेट एंड देन होल स्क्वायर. अब इसके बाद फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म का आप रूल लगा दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एंड देन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म. सो इन फर्स्ट ब्रैकेट ऑलरेडी रिटर्न हियर 3x प्लस 4y एंड 3x माइनस 4y. देखिए इस फॉर्म में ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 20D भी यूज होगी. आइए 20D के क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द एक्सरसाइज फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 16. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 16. अब हमको इसको किस फॉर्म में लाना है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म ये तो ठीक है बट स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म मीन 16 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर. सो यू कैन राइट हियर ए स्क्वायर माइनस 16 की जगह पे आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए. ए प्लस बी मीन्स एक बार फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होगा एक ब्रैकेट पे एंड देन इन नेक्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. आप अगर फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का यूज़ करिएगा तो सेकेंड ब्रैकेट में प्लस का यूज़ करना होगा. ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस ब्रैकेट में प्लस या किस ब्रैकेट में माइनस का यूज़ करते हैं. बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व होंगे. सेकेंड क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करिएगा, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. देखिए फिर से यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है तो हमको फॉर्मूला ये लगाना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो पहली कंडीशन तो ये है कि फर्स्ट एंड सेकेंड चेंज बोथ द टर्म इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. सो वी कैन राइट 1 एज ए 1 स्क्वायर. 1 का स्क्वायर करें क्यूब करें पावर 4 करें 1 ही आएगा. सो 1 स्क्वायर ज़रूरत है हमको, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना 1 स्क्वायर हो गया. एंड 9 की जगह पे आप लिख सकते हैं 3 एंड बी स्क्वायर की जगह पे बी होल स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड बी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि ये आपको वो फॉर्म हो गया जिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड देन फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. अब देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट में माइनस और सेकेंड में प्लस का यूज़ किया है, कोई फर्क नहीं, आंसर आपका तो भी सही माना जाएगा, इसमें कोई ऑर्डर की बात नहीं होती है.
ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आज, ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 81x2। तो जैसे इसमें हमने चेंज किया, इसी तरीके से 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 9x2 - 1। तो 9x - 1, 9x + 1 आपका आंसर हो जाएगा। 81 की जगह पे लिख दीजिए 9x एंड देन होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। क्वेश्चन नंबर 5, 49a² - 100b², तो इसको आप 7a² - 100 की जगह पे 10b² हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपने से ट्राई करिएगा। ये लाइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो आपको करना है, क्या करना है, दोनों नंबर को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो 49 को हम लिख सकते हैं 7a² होल स्क्वायर। इसी तरीके से 100b को आप लिख सकते हैं 7b होल स्क्वायर। ये हो गए a² - b² अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए a + b a - b। या मैंने 7 लिख दिया बाय मिस्टेक, ये 10 कर लिया, 10 × 10 = 100, सॉरी। सो 10b होल स्क्वायर हो गया। अब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। आप अगर पहले प्लस लिखना चाहिए तो पहले वाले ब्रैकेट में प्लस का यूज़ कर लीजिए, तब दूसरे ब्रैकेट में आपको माइनस लिखना पड़ेगा। और अगर आपने पहले वाले ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको प्लस करना पड़ेगा। बस इतना ही आपको समझना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5th हो गए 6, 7, 8। ये क्वेश्चन आप अपने से लगाइएगा, या क्वेश्चन नंबर 8 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x² - 4। आइए नोट कर ले पहले क्वेश्चन, ये दिया गया x² y² - 4। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म तो आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको तो हम सीधा सीधा लिख देंगे xy होल स्क्वायर। एंड 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2² मीन्स a² - b² के फॉर्म में आ गया, यानी कि दोनों फंक्शन आपका स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये आपका आंसर हो गया। तो बस इतने ही काम आपको इन क्वेश्चंस में करना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से, तो देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपके बिल्कुल एक तरीके के क्वेश्चन थे, तो इनको अपने से लगाइए, उसके बाद वीडियो की हेल्प लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अभी तक हम लोग सीधा सीधा स्क्वायर के फॉर्म में किसी भी फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर पावर 4 आ गया, या और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे तो पावर 4, पावर 6, पावर 8 इस तरीके से बनेगा। तो हमको क्या करना है, पूरे भी जो भी क्वेश्चन होगा हर नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। और राइट क्वेश्चन नंबर 9, 169b⁴ - 100, ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9, 169b⁴ - 100। तो अगर 169 को हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो तो हम लिख सकते हैं 13 × 13 169, बट b⁴ है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे लिखेंगे 13b² होल स्क्वायर। देखिए 13 का 169 हो जाएगा एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो b⁴ माइनस 100 की जगह पे आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ये कंप्लीट आपका फर्स्ट टर्म है, 13b² एज ए फर्स्ट टर्म एंड 10 एज ए सेकेंड टर्म। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a² - b² व्हाट वी कैन राइट हियर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बस ये हो गया आपके आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन आसान है इस एक्सरसाइज का, आप लगाने की कोशिश कीजिएगा तो 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट एक बेसिक कंडीशन ये कि आपको हर स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट में मत ट्राई करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, ओके इट इज 11th क्वेश्चन, 144 - a⁴। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमारा फोकस ये है कि हमको क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो 144 की जगह पे किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 होल स्क्वायर, एक काम हो गया। एंड a⁴ की जगह पे आप लिख सकते हैं a⁴ होल स्क्वायर। ठीक, अभी कैसे a⁴ होल स्क्वायर हुआ ये भी समझ लेते हैं। a⁴ होल स्क्वायर का सेंस होगा a⁴ × a⁴, तो पावर ऐड हो जाएगी a⁴ + 4 मीन्स a⁴ 8।
देखिए मिस्टेक क्या होती है, आप ये मत सोचिएगा हमने 4 2 8 कर दिया, वो भी बात सही है आपकी, 4 2 8 हो जाएगा, बट ये वैसे आप सोचिएगा तो 4 का स्क्वायर नहीं हो रहा है यहाँ पे, वरना तो अब तो 16 हो जाता। हमको क्या करना है, ऐसे दो नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उनका प्रोडक्ट 8 मिल जाए और यहाँ पे स्क्वायर हो जाए। अगर ए पावर 6 होता तो हम क्या लिखते, हमको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लिखते ए क्यूब होल स्क्वायर, देखिए 3 2 6 बनता। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 लाना है, तो अब जब यहाँ पे 2 आ गया तो बचा हुआ कौन सा नंबर अंदर आना चाहिए, आप प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं कि सम प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर शुड बी 8। ओके, तो अब क्या हो गया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया आपका। अब इसको हम ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस ए पावर 4 एंड 12 माइनस ए पावर 4। तो अभी तो आपका ये आंसर माना जाएगा बिल्कुल सही है, लेकिन जब हायर क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, सपोज कर लीजिए 9 10 11 तक चले गए आप, तब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन वो टॉपिक अभी आपका नहीं है क्योंकि आप अभी जूनियर क्लास में, सो ये आंसर आपका सफिशियंट है, अदरवाइज इसको और हम फैक्टराइज कर सकते थे, बट वो अभी यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों का टफ हो रहा है, 13 क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12, यहाँ तक के क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, ये सॉल्व किए जा सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और थोड़े से नंबर भी बदल जा रहे हैं। तो फॉर 13 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।